सो हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। गाइज आगे भी बढ़िया रहना। गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और इस वीडियो में हम मेगा रैंप चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं फिर से। गाइज ये रैंप काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मुश्किलें भी हैं इस रैंप में। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए गाइस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। एंड पहले नंबर पे जा रहा है मोटू। गाइस आप लोग देख सकते हो मोटू जा रहा है, और मोटू यहाँ पर पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी चूज़ किया है। गाइस आप लोग लैम्बोर्गिनी देख सकते हो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई साहब रास्ते में देखो कितने सारे बर्गर रखे हुए हैं, कितने बड़े बड़े बर्गर हैं। ओ भाई यार इतना सारा बर्गर, इसे साइड से गिराना है। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। ये रास्ता तो काफ़ी आसान ही, आगे का रास्ता मुश्किल है। ओ भाई भाई यार ये क्या हो गया। चलो गाइज यहाँ से घूम जाते हैं, और यहाँ से आगे सीधा जाना है। भाई साहब कैसे रास्ता है, और बर्गर भाई साहब आप लोग देख सकते हो बर्गर कितने सारे रखे हुए हैं। और ये रास्ता ये लैम्बोर्गिनी से कंप्लीट करना है। ये थोड़ा आसान ही लग रहा है, बस इसमें मुड़ाव आ रहे हैं ज़्यादा, बाकी सब ये रास्ता तो ठीक ही है, गिरने का डर भी नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और सारे बर्गर रखे हुए हैं, कितने बड़े बड़े बर्गर हैं। और यहाँ से शायद से जंप लगाना है, और ये मैं जंप लगा रहा हूँ। ओ भाई कहाँ जा रहा है ये कार। चलो गाइज यहाँ पर जंप मैंने लगा दिया। बाकी यहाँ पर आप लोग लैम्बोर्गिनी देख सकते हो पूरा टूट फूट गई साइड से। और गाइज आगे का रास्ता यहाँ पर बाइक से कंप्लीट करना है। बाइक आप लोग देख सकते हो कितने सारी बाइकें हैं, कितने रंग बिरंगे बाइकें हैं। तो आगे का चैलेंज इस बाइक से कंप्लीट करना है। तो मोटू यहाँ पर बैठ चुका है, कौन से बाइक, ग्रीन कलर की बाइक है मोटू की। और भाई ये रास्ता देख सकते हो कितना मुश्किल है यार, कहाँ से निकलना है। वो भाई ये पंखे काफ़ी चौड़े पंखे नाच रहे हैं इसमें। तो गाइज इसमें मुझे धीरे धीरे चलाना होगा। आप लोग देख सकते हो कैसे बाइक लड़ जा रही है पंखे में जाकर। भाई धीरे से निकल जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर फिर से पंखा, काफ़ी ज़्यादा ये पंखे आ रहे हैं। भाई कितना बड़ा रैंप है ये। भाई फिर से खामे लड़ गया यार, ये कैसा रास्ता है। चलो गाइज ये इसमें गिर नहीं सकते पानी में, क्योंकि गिरने का थोड़ा सा भी डर नहीं है। चारों ओर से रैंप है, बस पंखे बीच में आ जा रहे हैं तो थोड़ा चलाने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन आसानी से चला रहे ले रहे हैं गाइज। ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आसानी से बाइक चल जा रही है। तो यहाँ पर मोटू देख सकते हो गाइज। ओ यार मोटू क्या कर रहा है भाई साहब, मोटू के देख सकते हो कैसे जा रहा है। और यहाँ से एक और पंखा है जो कि मोटू पार कर देगा तो ये शायद चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। और ये बाइक वाला चैलेंज ख़त्म हो गया। चलो गाइस बाइक वाला चैलेंज तो मोटू ने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारी सुपर कार हैं भाई साहब, आप लोग देख सकते हो। तो आगे का चैलेंज कार से कंप्लीट करना है फिर से। और भाई गाइज आप लोग कार देख सकते हो, बुगाटी कार है वो। भाई इतनी अच्छी अच्छी बुगाटी कार, रंग बिरंगे कलर कलर की। तो आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल रहने वाला है गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी मुश्किल रास्ता है ये। तो मोटू को यहाँ पर धीरे धीरे जाना होगा। आप लोग देख सकते हो स्पीड बम्प वाला फिर से रास्ता है ये, और यहाँ पर नीचे जाना है मोटू को। भाई साहब धीरे धीरे ही जाना मोटू, नहीं तो तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी सीधे पानी में गिर जाएगा और चैलेंज को हार जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइज काफ़ी मुश्किल रास्ता है, स्पीड बम्प भी है और नीचे भी जाना है। सीधा रास्ता तो कोई बात रहता। ओ मोटू यार धीरे धीरे जा, तेरी कार कैसे उलट पलट रही है, धीरे धीरे जा नहीं तो पानी में गिर जाएगा। ओ भाई यार रास्ता आप लोग देख सकते हो, और मोटू ऐसे जा रहा है तो शायद से ये चैलेंज भी कंप्लीट कर सकता है। देखते हैं क्या होता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। और भाई साहब ओ भाई यार ये मोटू की कार पलट गई, और ये मोटू अब गिरने वाला है, गिर गया। और मोटू इस चैलेंज को हार गया पानी में गिर के। तो चलो गाइस मोटू तो हार चुका है, अब चलो मेरी बारी है, मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ। पहले ये ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी कितनी अच्छी लग रही है, इसी में बैठ जाता हूँ। भाई साहब लैम्बोर्गिनी आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। चलो निकलते हैं गाइज, और भाई साहब बर्गर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बर्गर को गिराने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओ भाई लाइन से रखी हुई है बर्गर ही। चलो गाइज सबको गिराते हैं, कितना मज़ा आ रहा है बर्गर को ठोकने में, मतलब गाइज बर्गर को यहाँ पर नीचे गिराने में। और यहाँ से निकलते हैं भाई साहब, कितने सारे बर्गर हैं।
ये रास्ता आसान ही है गाइज, बस इसमें काफ़ी ज़्यादा मुड़ाव है और बर्गर रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी मज़ा भी आ रहा है बर्गर को नीचे गिराने में। नीचे तो नहीं गिर रहे हैं लेकिन इसको टक्कर मारने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ से देख सको कितने सारे बर्गर हैं लाइन से, और यहाँ से जंप लगाना है गाइज, बड़ा सा जंप है, धीरे से जाना होगा नहीं तो मेरी कार उस पार चल जाएगी। और ये मैंने जंप लगा दिया भाई साहब, मेरी कार देख सकते हो एक भी स्क्रेच नहीं आया, पूरे अच्छे तरीके से मैं इसे लाया हूँ। और यहाँ पर बाइक है तो बाइक से चैलेंज कंप्लीट करना है आगे का। चलो गाइस बाइक पे बैठ जाते हैं, और रंग बिरंगे बाइक है, रेड कलर की बाइक मैंने चूज़ किया है। और ये रैंप वाला रास्ता तो मैं कर सकता हूँ आसानी से गाइस, देखते हैं। ओ भाई निकल गया, चलो गाइस यहाँ से निकल गया, और यहाँ से ऊपर से, ओ भाई कितना ऊपर जाकर निकला था और इसमें टकरा गया। चलो गाइस एक में टकराए हैं अभी। बाकी गाइस ये रास्ता कंप्लीट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, ऊपर बाइक चलाने में, इसमें गिरने का डर तो थोड़ा सा भी नहीं है, और यहाँ पर बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है भाई साहब ऐसा बाइक। चलो गाइस यहाँ से घूमते हैं, मुड़ाव भी आ गया काफ़ी ज़्यादा गाइज, आप लोग स्टंट देख सकते हो कैसे स्टंट मार रहा हूँ बाइक को मुड़वा के। और यहाँ से निकलते हैं गाइज, और ये बचा है, और ये ओ भाई गिर गया। चलो गाइज ये बाइक वाला चैलेंज तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आगे का रास्ता कार से कंप्लीट करना है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। मोटू यहीं पे गिरा था तो मुझे संभल संभल के जाना पड़ेगा, लेकिन गाइज ये शायद मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है गाइज, ये रास्ता मैं कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। और ये येल्लो कलर की बुगाटी देख सकते हो गाइज, कैसी आपको लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओ भाई साहब मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये बुगाटी। और यहाँ से मुझे धीरे धीरे जाना होगा, एकदम धीरे धीरे, नहीं तो गाइज सीधे मैं पानी में गिर जाऊँगा और इस चैलेंज को हार जाऊँगा। और शायद इस चैलेंज को मैं हार गया तो भाई साहब बेइज्जती मेरी हो जाएगी गाइस। यहाँ पर देख सकते हो कितनी मुश्किल है रास्ता, स्पीड बम्प काफ़ी बड़े बड़े हैं, और उसके अलावा यहाँ पर नीचे भी जाना है, और मोटू यहीं पे गिरा था, यहाँ पे मुझे संभल के जाना होगा नहीं तो मैं भी नीचे गिर जाऊँगा, चैलेंज को हार जाऊँगा। और यहाँ से लगता है मैं पार कर दिया गाइस, जैसे मेरी कार जा रही है जैसे जाएगी तो शायद से मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये मैंने जंप लगाया, और फिर से जंप लगाया, और ये जंप लगा दिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो ये मुश्किल रास्ता तो मैंने कंप्लीट कर दिया काफ़ी आसानी से, और आगे का रास्ता आप लोग देख सकते हो बोट से कंप्लीट करना है, यानी यहाँ पर नाव है। तो चलो गाइस चलते हैं, और समंदर का भी रास्ता है गाइस, आप लोग देख सकते हो पानी का रास्ता है ये, और इसमें काफ़ी मुश्किल पंखे, ओ भाई नीचे दबोच दिए भाई यार, कैसे ये पंखे नाच रहे हैं, बच के जाना होगा पंखों से। और भाई रास्ता है, रास्ते के अंदर से ही जाना होगा, अगर मैं बाहर से गया तो चैलेंज को हार जाऊंगा, और रास्ते में काफ़ी मुश्किलें हैं भाई यार, देख सकते हो कितने मुश्किल ये रास्ता, मुझे सबसे मुश्किल तो ये लग रहा है गाइस, जिसमें काफ़ी तेज़ी से पंखे नाच रहे हैं, चार पंखे हैं जिनसे बच के मुझे निकलना है, और ये बहुत तेज़ी में नाच रहे हैं यार, ओ यार बच के बहुत तेज़ी में नाच रहे हैं ये पंखे यार, मुझे बच के निकलना होगा। और काफ़ी बड़े ये रैंप है यार, इतना ख़त्म किया मैंने अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं। चलो यहाँ से बच के, ओ भाई फिर से ढकेल दिया पानी के अंदर गाइस, मुझे डर लग रहा है मैं पानी में मेरी नाव ना डूब जाए, यहाँ पर देख सकते हो फिर से नीचे गया यार, ऐसे जाएगा नाव तो मेरा डूब जाएगा पानी में, नाव टूट फूट गया पूरा। और गाइस आगे का रास्ता, और ये तो दो पंखा और बचा है, और ये एक और पंखा बचा है गाइस, ये सबसे मुश्किल रास्ता तो ये मुझे लगा। चलो गाइस फाइनली मैं ये रास्ता भी कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये रास्ता भी मैंने कंप्लीट कर दिखाया। अब चलो गाइस आगे का रास्ता हेलीकॉप्टर से कंप्लीट करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कलर कलर की हेलीकॉप्टर रखी हुई हैं, तो ग्रीन कलर की हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छी लग रही है, इसी में मैं बैठ गया।
और आगे का चैलेंज ये हेलीकॉप्टर से कंप्लीट करना है। और हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया हवा में, ओ भाई कितना अच्छा से मैंने हेलीकॉप्टर को उड़ाया। और आगे एक रैंप दिखाई दे रहा है, शायद से उसी पर ले जाना है हेलीकॉप्टर को। चलो गाइज हेलीकॉप्टर को ले चलते हैं वहाँ पे। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ा रहा हूँ। और भाई यहाँ से ऊपर जाना है यार, मैं कहाँ पे आ गया यार, ऊपर मुझे हेलीकॉप्टर को लैंड कराना है, मैं साइड से आ गया। चलो यहाँ से ले चलते हैं। वो भाई यार अभी क्रैश हो जाएगी मेरे हेलीकॉप्टर, बच गया यार, इस पे लैंड कराना है हेलीकॉप्टर को वो कैसे भी करके। चलो लैंड कराते हैं गाइज। और गाइज आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना अच्छा वीडियो मैं बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लग रहा है मुझे ये वीडियो बनाने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, तभी तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और भाई यहाँ तक तो मैं आ गया, और यहाँ से आगे का चैलेंज कार से कंप्लीट करना है, तो कार से करते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो फरारी कंपनी की कार है, वो भाई कितनी अच्छी लग रही है, येलो कलर की कार फरारी। चलो गाइज इसमें मैं बैठ चुका हूँ, और यहाँ से शायद से ये रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से चलते हैं नीचे, यही तो आसानी है। और गाइज सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े बड़े रैंप दिखाई दे रहे हैं, लगता है गाइज शायद ये चैलेंज कम्प्लीट हो चुका है और मैं इस चैलेंज को जीत चुका हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक भी गाड़ी रखी नहीं हुई, ना ही कोई रास्ता है, लास्ट रास्ता यही था। तो मैं इस चैलेंज को जीत चुका हूँ।